जबरदस्त पकौड़े बने हैं फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज सुबह से बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और पकौड़े खाने का मन कर रहा है गाइस, तो चलिए पकौड़े बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपना ये छोटा सा सेटअप लगा रखा है अपनों ने। तो यहाँ पे हमने 3 आलू लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं और 3-4 हरी मिर्च लिए है। अब आलू कटिंग कर लिए हैं गाइस, अब करते हैं प्याज की कटिंग। अजवाइन, थोड़ा साबुत धनिया क्रश करके, बेसन, लाल मिर्च 2 छोटे चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सोडा डालेंगे, अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। कभी पकोड़े बनाए तो पूरे के अंदर पानी ना डालें, थोड़ा साइड में पानी डालें और साइड से उठाते रहें। इससे क्या है, पकोड़े आपके क्रंची रहेंगे, इसका जो बैटर है वो आपका क्रंची क्रंची पड़ा रहेगा और पकोड़े भी आपके बहुत शानदार बनेंगे। सारा नहीं मिक्स करना अपने को, बस थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा उठाना है। इधर कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी है इसलिए थोड़ा कम आ रहा है इसमें। अभी 2 पाउच मंगाए थे मैंने मैगी मसाले के, मैगी सॉस के, ये मैगी पिचकू के, तो इसके साथ ये मैगी मसाले 2 फ्री आए हैं। तो चलिए ये मैगी मसाला भी डाल लेते हैं पकोड़े के अंदर और देखते हैं कैसे टेस्ट कैसा आता है। और ये मैंने मैगी मसाला भी डाल दिया है और बंद कर दिया। और ये मैगी मसाले वाले पकोड़े देखते हैं ये कैसे बनते हैं। मैगी मसाला सबसे डाल देता है और देखते हैं थोड़ा भी डाल देता है। पकोड़े रेडी हो चुके हैं तो अभी बनाते हैं चाय। तो चलिए चाय के साथ, तो चलिए चाय बनाते हैं। अभी मैंने पतीला चढ़ा दिया है गैस पे, इसमें 2 कप पानी डाल दिया है और अब चाय पत्ती डालेंगे। तो ये 2 कप चाय है तो मैं इसमें 2 चम्मच चाय डालूँगा, लेकिन ये चम्मच थोड़ी बड़ी है तो मैं एक पूरा भर के और थोड़ा सा और चाय पत्ती डालूँगा, क्योंकि 2 चम्मच ये ज़्यादा हो जाएंगे। और ये ताज चाय है तो ये वैसे ही थोड़ी कड़क होती है। अब गैस को थोड़ा तेज़ करते हैं ताकि चाय में उबाल जल्दी आ जाए, क्योंकि अब सब्र नहीं हो रही फ्रेंड्स। पकौड़े तैयार हैं, इसमें डालते हैं इलायची। इलायची को थोड़ा कूट के डालेंगे, दोनों इलायचियों को अच्छी तरह से कूट लेंगे। कूटने से इलायची का पाउडर बन जाएगा और चाय के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इलायची को हमेशा कूट के ही डालना चाहिए जिससे जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा उबाल दिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे।
अब उबाल आ चुका है। अब इसमें दूध डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने चीनी डाली नहीं, मैं चीनी लास्ट में डालता हूँ फ्रेंड्स। अब इसमें चीनी डालूँगा तो इसमें मैं 2 चम्मच चाय, 2 कप चाय है तो इसमें 3 चम्मच चीनी डालूँगा। मैं मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही करता हूँ, अगर आप कम पीते हैं तो आप थोड़ी डालिए। चीनी को मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं, इससे इसके अंदर अच्छी तरह उबाल आ जाएगा। अब चाय में उबाल आ गया है, चाय अपनी तकरीबन रेडी है, पकौड़े भी रेडी है, चाय भी बस रेडी होने वाली है। और ये चाय में 2-3 उबाल आ चुके हैं, तो चलिए गैस को करते हैं बंद, चाय को डालते हैं कप में और मिलते हैं आपको चाय और पकौड़ों के साथ। क्या जबरदस्त पकौड़े बने हैं फ्रेंड्स। तो आज बारिश का मौसम है, सावन शुरू है, आप भी बनाइए और खाइए और हमें भी खाने दीजिए।